आज मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म असल में है क्या। आपको 12th करने के बाद या 10th करने के बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म के कौन सी डिविजन्स में जॉब करनी चाहिए हैं, कौन सी डिवीज़न सिर्फ लगता है ट्रैवल एंड टूरिज्म का पार्ट है बट उतनी बेनिफिशियल नहीं है, कौन सी डिवीजन्स आपको अच्छी जॉब देंगी और ज़िंदगी भर ग्रोथ देंगी, ये सब हम आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि एयर टिकटिंग, एयरलाइन, एयरपोर्ट, वीज़ा, एम्बेसी, होटल्स, रेस्टोरेंट, बसेस, टैक्सी, रेलवे, ये सब ट्रैवल एंड टूरिज्म का पार्ट है। पर इसमें से बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो किसी काम की नहीं है, जैसे कि होटल इंडस्ट्री। अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं तो सैलरी बहुत कम है। उसी तरह से अगर आप टैक्सी बुकिंग में हैं या फिर आप बस बुकिंग में हैं या इंडियन रेलवे बुकिंग के अंदर हैं तो वह जॉब भी काफ़ी कम पेइंग है, काफ़ी कम आपको सैलरी देती हैं और उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि ट्रैवल ब्लॉगर बनना या ट्रैवल यूट्यूब चैनल बनाना या ट्रैवल व्लॉगर बनना या ट्रैवल शो स्टार्ट करना। ये सब कुछ भी सुनने और देखने में बहुत अच्छा लगता है पर अब इसके अंदर भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा लोग कर चुके हैं और जो पहले से कर रहे हैं उन्हीं को ज़्यादा एज मिलती है, उन्हीं को ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो तीन मैं आपको वो जॉब बताने वाला हूँ जो आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी और जिनको करके आप ज़िंदगी भर अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली है एयर टिकटिंग। अगर आप एयर टिकटिंग सीखना चाहते हैं तो आप अमेडियस सीखें या फिर गैलीलियो सीखें, आपको आयटा सीखने की ज़रूरत नहीं है और ये आप बहुत ही कम पैसों में और यह आप बहुत ही कम फीस में सीख सकते हैं या फिर खुद इनकी बुक्स ऑनलाइन पढ़कर भी सीख सकते हैं। इसके अलावा जो हाई पेइंग डिवीज़न है वह है वीज़ा। तो आप वीज़ा एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक ऐसी नॉलेज है जो आप ऑनलाइन पढ़कर भी सीख सकते हैं अगर आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरी और जो बेस्ट इसकी ऑप्शन है वो है ट्रैवल पैकेज डिज़ाइन करना, पूरा का पूरा ट्रैवल पैकेज बनाना, डिज़ाइन करना। इसके लिए हो सकता है कि आपको कोर्स करना पड़े परंतु आपको यह सोचना पड़ेगा कि यह कोर्स 100% प्रैक्टिकल होना चाहिए है, जैसे कि ट्रैवल कंपनीज में काम होता है वैसे अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको सिखा रहा है तो उसका फ़ायदा होगा, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, किसी भी कॉलेज में हो रहा है, अगर वह प्रैक्टिकल नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो दीज आर द थ्री बेस्ट ऑप्शंस। अगर आपने अभी 10th की है, आपने 12th की है या आपने ग्रेजुएशन की है और आप ये सोच रहे हैं कि आप करियर किस में बनाएं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर या तो आप एयर टिकटिंग में जाएं जो कि आपको एयरलाइन, एयरपोर्ट, ट्रैवल कंपनी सब में जॉब दिलवाएगी, या फिर आप वीज़ाज में जाएं या फिर आप ट्रैवल पैकेजेस में जाएं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप यूरोप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के पैकेजेस बनाएं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भी आप बड़े आराम से ट्रैवल डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, जैसे कि इंडिया की डेस्टिनेशंस के या फिर थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब के पैकेजेस बना सकते हैं। कीप ट्रैवलिंग, कीप लर्निंग। दिस इज़ मयंक फ्रॉम द टूरिज़म स्कूल।